गेहूं के बाद भारत को लौटा दी गई उसकी चाय पत्ती। दुनिया भर में हो रही भारत की इमेज खराब, श्रीलंका की मार्केट कैप्चर करने के चक्कर में हो गई भारत से बड़ी गलती। दोस्तों, भारत के लिए इन दिनों कई बुरी खबरें निकलकर सामने आ रही है और ये खबरें लगातार आती भी चली जा रही है। पहले तो भारत ने गेहूं की वापसी का सामना किया, लेकिन भारत अभी इस चीज से बाहर निकला ही नहीं था कि अभी ये खबर और सुनने को मिल रही है, जिसमें ये पता चल रहा है कि यहां पर भारत ने जिन जिन देशों को अपनी चाय पत्ती एक्सपोर्ट की थी, उनमें से ज्यादातर देश भारत को भारत की चाय पत्ती लौटा रहे हैं। इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है उसको जानने के बाद भारत की तरफ से कई बड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। दोस्तों, इन दिनों भारत के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जैसे लगता है भारत के ऊपर किसी की नजर लग गई है। जैसा कि आपको पता होगा, अभी हाल ही में तुर्की ने भारत के गेहूं को वापस कर दिया, उसके बाद यह गेहूं इजिप्ट भेजा गया, लेकिन इजिप्ट ने भी इस गेहूं को लेने से इनकार कर दिया। लेकिन अभी भारत की चाय पत्ती को लोगों ने लेने से मना कर दिया है और जिन्होंने लिया था उन्होंने वापस लौटाना शुरू कर दिया है। यहां पर भारत की चाय पत्ती को वापस किया जाने लगा है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? सभी देश मिलकर ऐसा एक साथ भारत के खिलाफ क्यों कदम उठा रहे हैं? चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ये मुद्दा भारत के लिए इन दिनों काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है और पूरी दुनिया की नजर भारत के ऊपर बनी हुई है। इसकी वजह से भारत की इमेज भी खराब हो रही है। भारत के गेहूं को लौटाने के बाद अब लोगों ने भारत की चाय पत्ती लौटाना शुरू कर दिया है। इसके पीछे आखिर वजह क्या है, तो चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा पीछे की तरफ जाना होगा। दोस्तों, कुछ साल पहले श्रीलंका ने फर्टिलाइजर पर बैन लगा दिया था और कहा था कि अब श्रीलंका में ऑर्गेनिक खेती होगी और सरकार द्वारा यह कदम लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर उठाया गया था। सरकार यहां पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रही थी, लेकिन सरकार का उठाया यह कदम गलत साबित हो गया। जब अचानक से श्रीलंका ने यह फैसला किया और मिट्टी में केमिकल मिलाना बंद कर दिया, तो जैसे मिट्टी से जान ही खत्म हो गई। जो खेती करके पहले ज्यादा चीजें पैदा होती वे बिना केमिकल की खेती करने पर बहुत कम पैदा हो रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर जो खेती हुई उसके बाद उस पर फसल आई उसके ऊपर कीड़े मकोड़ों का अटैक हो गया। और जैसा कि आपको पता होगा, श्रीलंका दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पत्ती की खेती करता है और अचानक से श्रीलंका के इस कदम उठाने से दुनिया में चाय पत्ती का संकट पैदा हो गया। भारत ने इस मौके का फायदा उठाना चाहा और दुनिया भर में काफी अच्छी मात्रा में चाय पत्ती एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, भारत के इस कदम से भारत को काफी ज्यादा फायदा भी होना शुरू हो गया और भारत ने श्रीलंका की एक तरह से मार्केट भी कैप्चर कर ली और यही मार्केट इस समय भारत के लिए मुसीबत की वजह बन गई है, क्योंकि श्रीलंका जो देश को चाय पत्ती बेचता था वह ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत बेचता था और इस चाय पत्ती में कोई भी तरह का केमिकल नहीं मिला होता था और उस चाय पत्ती की कीमत भी काफी ज्यादा थी। लेकिन भारत की जो चाय पत्ती की खेती होती है उसमें केमिकल मिलाया जाता है। इसी को देखते हुए यहाँ पर कुछ देशों ने शुरुआत में तो इसका इस्तेमाल किया, लेकिन जब उनको पता चल गया कि इसमें केमिकल पाया जा रहा है तो उन्होंने ये चाय पत्ती वापस करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इन देशों ने भारत की चाय पत्ती ये बोलकर वापस की कि भारत की चाय पत्ती में केमिकल काफी अधिक मात्रा में पाया जा रहा है। आज खबर निकल कर आ रही है कि बहुत देशों ने इस समय भारत को भारत की चाय पत्ती वापस कर दी है और आने वाले समय में और भी देश भारत की तरफ से चाय पत्ती वापस कर सकते हैं। इस चीज से भारत को काफी ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा, जब कोई देश किसी देश का सामान वापस करता है तो उसे देश की इमेज खराब होती है और यह बात किसी से छुपाई भी नहीं जा सकती, क्योंकि खबर काफी तेज पूरी दुनिया में फैल जाती है और लोगों की नजरों में आ जाती है। इसका असर भारत को दूसरे प्रोडक्ट पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दुनिया ये देख रही है कि लगातार भारत का प्रोडक्ट दूसरे देश वापस कर रहे हैं, तो ऐसे में दूसरे देश भारत के प्रोडक्ट को क्यों लेना चाहेंगे, तो इस चीज से काफी बेकार असर पड़ता है किसी भी देश की इमेज पर। दोस्तों, श्रीलंका की मार्केट को कैप्चर करने के चक्कर में यहां पर बहुत लोगों ने लोन लेकर चाय पत्ती की खेती शुरू कर दी और बागान लगा लिया। ऐसे में उन लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। अब बहुत लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि भारत भी ऑर्गेनिक खेती करके दूसरे देशों को चाय पत्ती बेच सकता है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि यहां पर भारत में भी ऑर्गेनिक तरीके से चाय पत्ती पैदा की जाती है, लेकिन उसकी संख्या काफी कम है, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती करके चाय पत्ती तो उगा सकते हैं लेकिन भारी मात्रा में इसको पैदा नहीं किया जा सकता। इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। जिस तरीके से केमिकल का इस्तेमाल काफी अधिक मात्रा में किया गया है, इसको थोड़ा कम किया जाना चाहिए और जिस तरीके से दूसरे देश भारत की चाय पत्ती वापस कर रहे हैं, इससे भारत के खजाने पर भी असर पड़ेगा। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर भारत को इस समय क्या करना चाहिए? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। दोस्तों, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हरनोई में वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फॉम वॉन गियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह इस समय वियतनाम की 3 दिवसीय यात्रा पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री जनरल फान वान गियांग के निमंत्रण पर वियतनाम की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। वे 8 जून से 10 जून तक वियतनाम में रहेंगे। सिंह ने अपनी यात्रा की शुरुआत हरनोई में दिवंगत राष्ट्रपति हो ची मिन की समाधि पर श्रद्धांजलि देकर की। राजनाथ सिंह की वियतनाम के राष्ट्रीय
रक्षा मंत्री जनरल फान वांग यांग के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा की जाएगी और रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई पहल का पता लगाया जाएगा। दोनों मंत्री साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। रक्षा मंत्री का वियतनाम के राष्ट्रपति गुयेन जू आन फुक और प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है। हाईफोंग में हांग हा शिपयार्ड में सिंह वियतनाम को भारत सरकार की 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की रक्षा लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत निर्मित 12 हाई स्पीड गार्ड बोट को सौंपने का समारोह की अध्यक्षता करेंगे। यह परियोजना वियतनाम के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री दूर संचार विश्वविद्यालय सहित नहा ट्रॉन्ग में वियतनाम के प्रशिक्षण संस्थानों का भी दौरा करेंगे, जहां भारत सरकार से 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के साथ एक आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित किया जा रहा है। वे भारतीय दूतावास हरनोई द्वारा आयोजित एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे और वियतनाम में भारतीय परिवासियों के साथ बातचीत करेंगे। भारत और वियतनाम 2016 से एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं और रक्षा सहयोग इस साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। मंत्रालय ने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति और इंडो पैसिफिक विजन में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत वियतनाम राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल और भारत की आजादी के 75 साल के ऐतिहासिक अवसर पर रक्षा मंत्री की यात्रा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी। दोस्तों, यहां पर भारत को चाय पत्ती के विषय में क्या करना चाहिए, या भारत को चाय पत्ती में केमिकल की मात्रा कम करनी चाहिए, या फिर भारत जैसे खेती करता है भारत को वैसे ही खेती करनी चाहिए, भारत को दूसरे के कहने पर नहीं आना चाहिए। ऐसे में यह सवाल भी पैदा होता है कि यहां पर अगर भारत केमिकल का इस्तेमाल करेगा तो भारत से ज्यादा देश चाय पत्ती नहीं खरीदेंगे, और अगर भारत ऑर्गेनिक खेती करेगा तो यहां पर भारत की चाय पत्ती ज्यादा पैदान नहीं होगी। यहां पर भारत बुरी तरीके से फंस चुका है। यहां पर भारत को क्या कदम उठाना चाहिए, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।